जहाँ पर सच दया सम्मान और ईमान रहता है। बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुन तो लें पहले। अग्रिम पंक्ति में जो लोग बैठे हैं उन्हें भी प्रणाम करती हूँ और उनसे भी अनुरोध करती हूँ आपकी भी तालियां मुझे मिले। सुने, जहाँ पर सच दया सम्मान और ईमान रहता है वहीं जाकर वो अल्लाह और वो भगवान रहता है। जहाँ पर सच दया सम्मान और ईमान रहता है वहीं जाकर वो अल्लाह और वो भगवान रहता है। अगर तूने निकाला है किसी के पाँव का कांटा, अगर तूने निकाला है किसी के पाँव का कांटा, तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है। तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है। तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मन से सुन रहे हैं। मैं देख रही हूँ काफी सारे नौजवान साथी यहाँ उपस्थित हैं, मैं सबको प्रणाम करती हूँ। और काफी सारे भूतपूर्व नौजवान साथी भी यहाँ पर उपस्थित, मैं उन्हें भी प्रणाम करती हूँ। मैं काफी दिनों से भूल गई थी ये टिप्पणी करना, मुझे बता दिया गया जब मैं यहाँ पर आई, तो मैंने कहा मैं प्रणाम कर लूँ और आपसे अनुरोध करती हूँ। आप तो बिल्कुल ऐसे बैठे हैं जैसे आप जिल्ले इलाही हैं और हम सब अनार कलियां बारी बारी से आके आपका एंटरटेनमेंट कर रहे हूँ। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, तालियां बजाते रहे। बाबू जी बीच में घूम रहे हैं, हाँ इन्हें निकलने दीजिए, ये इनका सातवां फेरा है। हमारे यहाँ तो इतने में विवाह हो जाता है। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। चार पंक्तियां और आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना। क्या बात है। मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, चली आऊंगी मैं सब छोड़कर आवाज दे देना। बहुत बहुत धन्यवाद, कितना बढ़िया सुन रहे हैं। ये मोहल्ला काफी उत्साही है, मैं इसे विशेष रूप से प्रणाम करती हूँ। आप सब भी मोबाइल छोड़कर ताली वाली बजा दें, बहुत अच्छा आप भी सुन रहे हैं। अब मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, चली आऊंगी मैं सब छोड़कर आवाज दे देना। तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने, तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने, सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साज दे देना। सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साज दे देना। सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साज दे देना। बहुत ही अच्छा सुन रहे हैं, बहुत मन आपने दिया, मैं बहुत आभार आपका करती हूँ। आइए मैं मेरे मूल तेवर पर आती हूँ, सुनिएगा। पंक्तियां निवेदित करती हूँ, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, बहुत मन मुझे आपने दिया, मैं कुछ बात आप तक पहुंचाती हूँ। बहुत सारी बातें मंच पर हुई, सुनील जोगी जी जा चुके हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें कही, कई बार मुझे देखा, मीरा जी को देखा, मोबाइल को देखा, बहुत सारी बातें कही और मुझे बता रहे थे कि वो मेरी ऐसी सुंदर साली होती। देखिए इन लड़कों का कुछ नहीं है, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आई हूँ, इसलिए चार पंक्तियां समर्पित करके अपनी बात का उत्तर वहां तक पहुंचाती हूँ। यदि आप समर्थन करते हैं तो मैं पंक्तियां जरूर निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। ये तो तमिलनाडु है। मुझे पता था कि आप बीच में बोलेंगे और ऐसा ही कुछ बोलेंगे, तब मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको। वाह वाह वाह। ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको, जरा देखो अनामी का सा अंबर चाहिए इनको। वाह वाह। ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको, जरा देखो अनामी का सा अंबर चाहिए इनको। बड़े करके जतन लड़की के मन को जीतते पहले। बैठ जाइए भाई साहब, आप एकदम कूद के आए, आकर एकदम खड़े हो। प्रणाम करती हूँ गुप्ता जी आपको।
ये बनिए हैं, मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट चाहते हैं, मतलब आगे से यहाँ आ गए हैं। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनेगा कि ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको, जरा देखो अनामी का सा अंबर चाहिए इनको, बड़े करके जतन लड़की के मन को जीतते पहले, बड़े करके जतन लड़की के मन को जीतते पहले, फिर उसके संग सहेली का भी नंबर चाहिए इनको, फिर उसके संग सहेली का भी नंबर चाहिए उनको, फिर उसके संग सहेली का भी नंबर। बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, आदरणीय ने कुछ कहा, मैं उन्हें भी प्रणाम करती हूँ। सुनिएगा, वो ध्यान बार बार इसलिए जा रहा है कि वहां से रोशनी रिफ्लेक्ट करके उनके सरफेस पर आ रही है और सीधे मेरी आंखों तक जा रही है, मैं प्रणाम। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। और चार पंक्तियां इसी क्रम की देती हूँ, और बहुत सारी बातें कर रहे थे, जितने लड़के बैठे हैं इन्हें समर्पित करती हूँ, और जितनी नारी शक्ति बैठी है, मीरा जी आप भी ध्यान से सुने, इनकी बातों में क्यों नहीं आना चाहिए, सुने। अगर हो पास वो तो हिचकियां अच्छी नहीं लगती, अगर हो पास वो तो हिचकियां अच्छी नहीं लगती, बिना मौसम के बादल बिजलियां अच्छी नहीं लगती, बिना मौसम के बादल बिजलियां अच्छी नहीं लगती, बिना मौसम के बादल बिजलियां अच्छी नहीं लगती, मिले रेस्पॉन्स तो लड़के बहुत तारीफ करते हैं। हाँ, वो एक कोहनी मार दी एकदम ही, देख ले सुन ले। मैं आपके सौंदर्य बोध को नमन करती हूँ, कविता बोध को भी नमन करती हूँ, कि अगर हो पास वो तो हिचकियां अच्छी नहीं लगती, बिना मौसम के बादल बिजलियां अच्छी नहीं लगती, मिले रेस्पॉन्स तो लड़के बहुत तारीफ करते हैं, जो ठुकरा दे इन्हें वो लड़कियां अच्छी नहीं लगती, जो ठुकरा दे इन्हें वो लड़कियां अच्छी नहीं लगती, जो ठुकरा दे। ये जो लोग खड़े हैं इनसे अनुरोध है कि ये भी आकर के बैठ जाएं, आपके लिए भी कुर्सियां हैं, वरना मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ कि बैठ जाइए जनाब, आपके लिए भी यहाँ आयोजन मंडली ने कुर्सियां मंगाई हैं, कुर्सियां मंगाई हैं, कुर्सियां मंगाई हैं, बैठ जाइए जनाब, आपके लिए भी यहाँ आयोजन मंडली ने कुर्सियां मंगाई हैं, इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर, कि इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर, इस कार्यक्रम में वो आज नहीं आई है। मैं तो इसीलिए कह रही थी, मेरा मन है मैं एक कहानी छोटी सी आपको सुनाऊं, यहाँ नारी शक्ति बैठी है, इनके मन की बात मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ, और आप सबको थोड़ी देर के लिए आपके कॉलेज लेकर के चलती हूँ। जो लोग कॉलेज में है वो कॉलेज में रहे, और जो लोग कॉलेज से निकल चुके हैं, मेरा मतलब ये अभूतपूर्व नौजवान साथियों से था जो एक तक यहीं देखे जा रहे हैं, थोड़ा हिलाओ डुलाओ, बहुत मन से सुन रहे हैं। मैं देख रही हूँ दो तीन ने तो अपने चश्मे पोंछ कर वापस लगा दिए, मैं प्रणाम करती हूँ आपको। सुने खैर, मैं बता रही थी बहुत सारी बातें हो सकती हैं इतनी देर तक, मैं बहुत सारे दोहे आप तक पहुंचा सकती हूँ, आहा ओ ठेके भी लग सकते हैं, लेकिन मेरा मन है कि मैं सीधे सीधे कविता वो पढ़ूं जिसके लिए आपके बीच उपस्थित हूँ। नारी के मन की बात मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ, कुछ पंक्तियों से आपसे जुड़ती हूँ, सुनिएगा। मेरे कॉलेज का एक लड़का, मुझे पता था आपके कोर्स की बात हो रही है, लेकिन मैं सच्चा प्रेम बताती हूँ, यहां से शुरुआत करती हूँ, स्टोरी है आप तक पहुंचे, सुने। मेरे कॉलेज का एक लड़का जो लिख कर प्रीत देता था, वो दिल के साज को मेरे नया संगीत देता था। वाह वाह, क्या बढ़िया सुन रहे हैं, वाह वाह, सुनिएगा। मेरे कॉलेज का एक लड़का जो लिख कर प्रीत देता था, वो दिल के साज को मेरे नया संगीत देता था, वो पागल था दीवाना था, वो भोला था सयाना था। अब आपके हाथ तैयार हो और मेरी बात पहुंच रही है, इस बात का एहसास मुझे कराएं कि मेरे कॉलेज का एक लड़का जो लिख कर प्रीत देता था, वो दिल के साज को मेरे नया संगीत देता था, वो पागल था दीवाना था, वो भोला था सयाना था।
हमेशा हार कर मुझसे मुझे वो जीत देता था, हमेशा हार कर मुझसे मुझे वो बहुत अच्छा जीत देता। आइए नेताजी, नहीं वो तो सुन रहे हैं, उन्हें डिस्टर्ब ना करें, आप भी बैठ जाएं, अच्छा सा पड़ोस देख लें वहीं कहीं। हाँ बिठा लीजिए, कोई बात नहीं, आप जैसे बैठे हैं। अब मैं आपसे ये अनुरोध करती हूँ कि बीच बीच में उठते रहे ताकि वो कुर्सी सांस ले सके। सुने पंक्तियां निवेदित करती हूँ, बहुत बातें होती हैं, बहुत सारी बातें समझाई जाती हैं, मुझे भी समझाया गया और एक बात कही। मोहब्बत जिनको होती है मुकद्दर रूठ जाता है। सुने मोहब्बत जिनको होती है मुकद्दर रूठ जाता है, मुसाफिर संग जो चलता सफर में छूट जाता है, मुसाफिर संग जो चलता सफर में छूट जाता है। दिलों से खेलने मत दो कभी नादान लोगों को। चौथी पंक्ति पर हाथ तैयार हो, मैं पंक्तियां पूरी करती हूँ, सुनिएगा कि मोहब्बत जिनको होती है मुकद्दर रूठ जाता है, मुसाफिर संग जो चलता सफर में छूट जाता है। दिलों से खेलने मत दो कभी नादान लोगों को, दिलों से खेलने मत दो कभी नादान लोगों को। खिलौना कांच का है ये के अक्सर टूट जाता है, खिलौना कांच का है ये के अक्सर टूट जाता है। लेकिन साधारणतया जब हम प्रेम में होते हैं तो इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की सलाह समझ में नहीं आती। तो उसने क्या किया, अगली चार पंक्तियां सुनाती हूँ, एक बार आपकी तालियां मुझे आदेश दें। सुने कि नजर भर देख लूं उसको दुआ दिन रात करती थी, नजर भर देख लूं उसको दुआ दिन रात करती थी, मगर जाहिर नहीं दिल के कोई जज्बात करती थी, मगर जाहिर नहीं दिल के कोई जज्बात करती थी। यही था प्यार शायद चांद तारों से अकेले में, यही था प्यार शायद चांद तारों से अकेले में। वो मेरी बात करता था मैं उसकी बात करती थी, वो मेरी बात करता था मैं उसकी बात करती थी। नारी कितनी भी आधुनिक हो जाए, वो उसके वस्त्र पहनने का तरीका बदल जाए, उसके बात करने का तरीका बदल जाए, उसके उठने बैठने का तरीका बदल जाए, लेकिन एक बात कभी नहीं बदलती। जब वो सच्चा प्रेम करती है तो अपने अंतर मन को एक बात का बोध कराती है, और वो बात क्या है मेरी चार पंक्तियां मैं आप तक पहुंचाती हूँ। एक नारी सच्चे प्रेम को कैसे एक्सेप्ट करती है और क्या अपने प्रियवर से कहती है, आप तक मेरी बात पहुंचे, कहीं सच्ची लगे तो आपका भरपूर मन मुझ तक पहुंचे, मंच का भी मन चाहती हूँ, सुनेगा। मैं तेरे नाम हो जाऊं तू मेरे नाम हो जाए, मैं तेरा दाम हो जाऊं तू मेरा दाम हो जाए, मैं तेरे नाम हो जाऊं तू मेरे नाम हो जाए, मैं तेरा दाम हो जाऊं तू मेरा दाम हो जाए। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको, न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। बनू मैं रुक्मणी तेरी तू मेरा श्याम हो जाए, बनू मैं रुक्मणी तेरी तू मेरा श्याम हो जाए, बनू मैं रुक्मणी तेरी तू मेरा श्याम हो जाए।
है। और इस क्रम की अंतिम चार पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूं, सुनिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। सुने, पंक्तियां निवेदित करती हूं। इंटरनेट के जमाने में, फेसबुक के जमाने में, व्हाट्सएप के जमाने में, गूगल के जमाने में, जहां हमारी लंबी लंबी फ्रेंड लिस्ट हमारे साथ होती है, ऐसे में जब घर के आंगन में बैठकर के माँ बाप के साथ बैठकर दो मिनट का समय नहीं मिलता कि बात कर सके, तब मैं नई पंक्तियां पढ़ती हूँ और आपके बीच अपनी बात करती हूँ। सुनेगा, मैं जिस बात का अनुसरण करती हूँ, मेरे हम उम्र जितने यहाँ बैठे हैं नौजवान साथी, वो इन पंक्तियों को लेकर के जाएं। इसके पहले का सब कुछ डिलीट कर दें चाहे, पर ये पंक्तियां अपने साथ लेकर के जाएं, तब मेरा कहना सार्थक होगा। पंक्तियां निवेदित करती हूं कि नजर अनजान भी रखना मगर पहचान भी रखना, नजर अनजान भी रखना मगर पहचान भी रखना, करो मासूम शैतानी तो फिर ईमान भी रखना। नजर अनजान भी रखना मगर पहचान भी रखना, करो मासूम शैतानी तो फिर ईमान भी रखना। खुले मन से नए रिश्तों का स्वागत भी करो, लेकिन खुले मन से नए रिश्तों का स्वागत भी करो, लेकिन जरूरी है बुजुर्गों का सदा सम्मान भी रखना, जरूरी है बुजुर्गों का सदा सम्मान भी रखना, जरूरी है बुजुर्गों का सदा सम्मान भी रखना। मेरा प्रतिनिधि गीत जिसके लिए मुझे आदेशित किया गया, वो गीत मैं आप तक पहुंचाती हूँ। बहुत पहले का बचपन का लिखा हुआ गीत है, शहीद के बेटे की दिवाली। मेरा मन था मैं रुक्मणी, पद्मिनी या एक और गीत बेटियों का मेरे पास है वो पढूं, लेकिन जब मैं आई तो मुझे आदेशित किया गया कि ये गीत जरूर पढ़ें। तो एक बार मेरे इस कथन पर आप अपनी तालियों की मोहर लगाएं, मैं गीत आप तक पहुंचाती हूं। एक 8 साल का बेटा जिसके पिता शहीद हो जाते हैं, बेटा ये नहीं जानता कि उसके पिता अब लौट कर वापस नहीं आएंगे। अपने पिता के वापस ना आने के बारे में प्रश्न करता है, माँ मौन स्तब्ध आंगन में बैठी है। बेटा अपनी माँ से बार बार प्रश्न करता है और माँ पत्थर बन आंगन में बैठी है। दृश्य आपके बीच है, गीत मैं आपके बीच रखती हूँ। उससे पहले केवल ये कहती हूँ, हमारे कुंबे के बड़े कवि आदरणीय ध्रुवेंद्र भदौरिया जी ने कहा कि देखिए एक परिवार एक वीर की शहादत पर किस प्रकार से पूरा परिवार उस शहादत को सम्मान देता है। जब पिछले दिनों सर कटे हुए धड़ आए तो हमारी सरकार कहीं मौन धारण कर लिया सरकार ने, कहीं कुछ जिम्मेदार व्यक्तित्वों ने ऐसी ऐसी टिप्पणियां कही जिससे कहीं हमारे दिल चोटिल हुए। मैं ऐसे में वो 4 पंक्तियां लेती हूँ और गीत को सहारा देती हूँ, अपना गीत आपके बीच रखती हूँ। सुनिएगा, एक सर कटा हुआ धड़ आंगन में है, उसकी नई नवेली दुल्हन उसे देखकर रोने लग जाती है। उसे देखकर उसकी ननद अर्थात उस शव की, उस शहीद की बहन आती है और अपनी भाभी के दोनों हाथ पकड़ती है। वो भाभी जो अभी अभी घर में नहीं आई थी, वो यहाँ के रीत रिवाज, यहाँ के लोगों की आदतें नहीं जानती थी। वो ननद अपनी भाभी से क्या कहती है, आदरणीय ध्रुवेंद्र भदौरिया जी को याद करती हूँ, उनकी पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ। सुनिएगा, कहीं उन्होंने कहा कि दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला। वो ननद अपनी भाभी को ढाढ़स बंधाती है और कहती है कि दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। कि दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। होलिया के रंग भूला, दीपों की उमंग भूला, राखी का त्योहार बार बार बिसराया है। और भाभी भाभी मेरा भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था। आपकी तालियां ध्रुवेंद्र जी के चरणों तक पहुंचे, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। होलिया के रंग भूला, दीपों की उमंग भूला, राखी का त्योहार बार बार बिसराया है। और भाभी मेरा भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था, आज भी तो उसी आदत को दोहराया है। जाते हुए माता का आशीष लेना भूल गया, आते हुए रणथल शीश भूल आया। बहुत अच्छा है, वाह वाह, जय हो, जय हो, अनामिका वाह। मैं ध्रुवेंद्र जी का धन्यवाद करती हूँ और अपना गीत प्रारंभ करती हूँ। सुनिए, स्वागत है, स्वागत है, अभिनंदन। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीप
दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटा दो तीन दिन से अपनी माँ की स्थिति को देख रहा होता है, माँ को देखकर वो अपनी माँ से क्या कहता है सुनिएगा। माँ क्यों ना तूने आज भी बिंदिया लगाई है, माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है, है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है, बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल हैं, बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल हैं, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है, कुमकुम के बिना सूना सा लगता है श्रृंगार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटा थोड़ी देर के लिए बाहर खेलने जाता है, अपने मित्रों के पिताओं द्वारा लाए हुए उपहारों को देखता है, उन गिफ्ट्स को देखकर पुनः अपनी माँ की गोद में वापस आता है और वही प्रश्न अपनी माँ से करता है। वो बेटा अपनी माँ से क्या कहता है सुनिएगा। किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, क्या कहना है वाह, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, मिठाइयां और साथ में पटाखे लाए हैं, वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया, वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया, पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया, पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया, अब तो बता दो क्यों है सूना आंगन घर द्वार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटे को कोई उत्तर नहीं मिलता, वो मन हीना सा माँ से खींच जाता है, रूठ जाता है, उनके दोनों हाथ पकड़ता है, उन्हें झकझोरता है और वो बेटा अपनी माँ से क्या कहता है। इस सदन में जितनी आंखें हैं मैं सबको आंसुओं का आमंत्रण देती हूँ, यदि एक भी आंसू छलका तो मेरा यहाँ आना, ये गीत पढ़ना मेरा सार्थकता मेरी सार्थकता होगी। मैं गीत का अगला बंद आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। वो बेटा अपनी माँ के दोनों हाथ पकड़ता है और क्या कहता है बेटा सुने। कि दो दिन हुए है तूने कहानी न सुनाई, दो दिन हुए है तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई, दो दिन हुए है तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई, आने दो पापा से मैं सारी बात कहूंगा, आने दो पापा से मैं सारी बात कहूंगा, तुमसे न बोलूंगा न तुम्हारी मैं सुनूंगा, तुमसे न बोलूंगा न तुम्हारी मैं सुनूंगा, ऐसा क्या हुआ के बताने से है इनकार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। और मित्रों विडंबना देखिए कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, मैं काफी सजल आंखें अपने सामने देख रही हूँ, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको, गीत इतने मन से आप तक पहुंचा। कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए, पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा एक टक उस लाश को देखता है, एक टक अपनी माँ को देखता है, पुनः उस लाश को देखता है, पुनः अपनी माँ को देखता है। गीत का अगला और अंतिम बंद आप तक पहुंचाती हूँ, उस बेटे का प्रतिउत्तर आप तक पहुंचाती हूँ। यदि आपको लगता है कि हिंदुस्तान के हर बेटे को यही उत्तर देना चाहिए तो आपके दोनों हाथ हवा में लहराएं और उस बेटे तक आशीर्वाद बनकर पहुंचे। मैं अगला और अंतिम बंद पढ़ती हूँ, सुनिएगा। पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए, पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा अपनी माँ से कहता है, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया। विष्णु भैया एक मिनट की बात थी केवल, आप एक मिनट के लिए यहीं सामने, मैं अंतिम अंतिम बिल्कुल एक मिनट की बात कर रही हूँ, सुनिएगा।
कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए, पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा अपनी माँ से क्या कहता है, मेरा मन है कि वो गीत का अगला बंद आप तक पहुंचाऊं, कि मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया, पापा का जो काम रह गया है अधूरा, पापा का जो काम रह गया है अधूरा, लड़ करके देश के लिए करूंगा मैं पूरा, लड़ करके देश के लिए करूंगा मैं पूरा, आशीर्वाद दो मकाम पूरा हो इस बार।